सही सही, तू यहाँ क्या कर रही है? चलो स्टेपू खेलते हैं। नहीं ताई, मैं नहीं। आ रखता, रखता, रखता। देविया नहीं, चिल्लाना बंद कर। आई रखता है ना? दिखा, दिखा मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे पर, बस थोड़ा सा कट है। दिखा। देविया नहीं, क्या था? सही, तू रोमा था? तू गुड गर्ल है ना? गुड गर्ल होती नहीं है, ये ठीक हो जाएगा जल्दी से, ठीक है? मेरी सही बहादुर है ना? बहादुर है ना? भाई मैं बहादुर हूँ। थैंक यू। आइए अदरक दीजिएगा। चाकू संभाल के। सही, तू क्या कर रही है? तू छोड़, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं ताई, मैं कर लूंगी, प्लीज जाओ। तेरे हाथ से खून आ रहा है ना ताई? अब मेरी दोस्त है ना, प्लीज मेरी बात मानिए, मैं कर लूंगी। अब चाहिए, ठीक है, मैं तेरी बात मानूंगी, क्योंकि मैं तेरी फ्रेंड हूँ ना, इसलिए मैं यही हूँ, ठीक है? अगर तुझे दुखाना ना तो मुझे बुला लेना। हाँ पक्का? पक्का। ये लो, अब थोड़ी लाल मिर्च भी पीस देना। वही नहीं, मिर्ची मैं पीस देती हूँ। सही के हाथ को चोट लगी है ना? अश्विनी, जरा सी खरोश को चोट नहीं कहते। वही नहीं। और तुम कैसी सास हो? तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारी बहू कुछ काम सीखे? अश्विनी वहिनी, अब सही को अपनी जिम्मेदारियां निभाने की शिक्षा तो आप ही को देनी होगी ना। अब मुझे ही देख लो, मैंने तो करिश्मा को सब कुछ सिखा दिया है, इसीलिए तो वो मेरा हर काम टाइम समय वक्त पे करती है, हो ना वहिनी? मामी, आंचल के साए में रहकर बच्चे अपनी जिम्मेदारियां नहीं सीखते। अगर उन्हें मैच्योर बनाना है तो उनके ऊपर से साया हटाना ही पड़ता है। बस बस हो गया। नहीं नहीं, कटा हुआ हाथ है, मिर्ची से जल जाएगा बेटा, इसे इसे। सही भाभी, कम से कम आपको अपनी उषा मौसी से इतना तो सीख लेना चाहिए था कि पीसी हुई मिर्ची को हाथ नहीं लगाते। करिश्मा, सही क्या सीखेगी क्या नहीं उससे हमें क्या मतलब? बस इसे ये बता दो कि महाभोज की तैयारियां चल रही है और हम सब लोग काम में लगे हैं, तो अपने ये रोने का नाटक बंद करके सबको परेशान ना करें। भी क्या जलन पत्र लिखा कि दूसरों की तकलीफ में तुम्हें नौटंकी लगे। बाकी दीदी, आप भले ही किसी की खुशी का कारण ना बन सको, लेकिन कभी किसी के दर्द का मरहम बन के जरूर देखा, शायद उनकी दुआ से आप ही के गांव बढ़ जाए। सही बाड़ा, उठ, हाथ धो ले, मैं करूंगी सब। नहीं आई,
मैंने वादा किया था कि सारा काम मैं निपटाऊंगी और मैं अपने वादे से पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। सही बहुत जलन हो रही है। बघितलं ना वहिनी, क्या कमाल का दिमाग पाया है सही ने। ताकि इसे कल कोई काम ना करना पड़े, इस वजह से आज ही बहाना तैयार कर लिया इसने। बरोबर बोली सोनाली, ये जंगली मुर्गी आज ही इतने गुस्से में काम कर रही है। हाथ भी काट लिया इसने, अब कल मुझे ही बोलेगी, काकू मेरा हाथ कट गया है, मैं कोई काम नहीं कर सकती। सही बस कर, सही बस कर बाड़ा, बस कर, खुद को और तकलीफ मत दे। सही बस कर। फोन उठाओ। सही, क्या हुआ इसको? वीरू, वीरू, वीरू। हाँ ताई। चल चल बाहर, चल चल। क्या हुआ ताई? बाहर तुझे कुछ दिखाने, चल लो कर। ताई मैं सही को फोन कर रहा था ना, तो सही को फोन क्यों करना है? सही तो बाहर है ना, तो तू वही बात कर ले, चल। सही बाहर है? हाँ। लेकिन वो तो बस से कॉलेज में जाने वाली थी और अब तक तो कॉलेज पहुँच जानी चाहिए। मुझे नहीं पता वीरू, तू चल, तू चल के खुद देख ले, आ जल्दी। अरे विराट, ये सब क्या हो रहा है? आज प्रबोधिनी एकादशी है ना, बहुत ही शुभ दिन है। जैसे कि तुम्हें पता ही है कितने दिनों से ग्रह कलेश चल रहे हैं, तो बस उसी की शांति के लिए 11 ब्राह्मणों का महाभोज करवा रहे हैं। आई सब ठीक है? और सही? सही, तुम तो बस से कॉलेज जा रही थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? लो, आ गए सही के पति, उसके रक्षक। अब देखना ये कैसे शिकायत करेगी कि विराट सर मुझे इतना सारा काम करना पड़ा और मेरे हाथ में तो चोट भी लग गई। से क्यों बोल रही हो पाखी? और तुम, तुम्हें ये मिर्च पीसने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, लेट हो चुकी हो, चलो जल्दी। हाँ हाँ सही, तुम जाओ, अब तुम्हारा ये पति तुम्हें रसोई के छोटे मोटे काम थोड़ी करने देगा। देखा पत्र लेखा, विराट के आते ही इसका दर्द, सारी जलन सब गायब हो गया। सही, तुम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, विराट आ गया है ना, वो तुम्हें कॉलेज लेके जाएगा। उठो उठो प्लीज, उठो। अश्विनी, जब तक ये अपना सारा काम खत्म नहीं करती तब तक कहीं नहीं जा सकती। बिना अपना काम पूरा किए मतलब? आप ये महाभोज का खाना सही से बनवा रही हैं? सही, तुम तो मुझे बता दो कि हुआ क्या है। हाँ सही, बताओ ना अपने विराट सर को, करो इनसे मेरी शिकायत ताकि ये मुझे डांटे, मुझसे लड़े कि मैंने इनकी बीवी को आईना क्यों दिखाया। इतना भी मत गिरिए पाखी दीदी, ये फिर उठ नहीं पाए। और मैंने ये वादा जरूर किया है कि मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे कुछ भी कहेंगे, मैं चुपचाप सुनती रहूंगी।
बाबा इनमें से तो कोई मुझे कुछ समझा ही नहीं रहा है, आप मुझे समझाएंगे ये सब क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं है विराट, घर की शांति के लिए वहनी ने महाभोज रखा है जिसका सारा खाना घर की बहुएं बनाती हैं। चूंकि सही को कॉलेज जाना है, वहनी ने एक छोटा सा काम इसे दे दिया, लेकिन मसाला पीसने के वक्त भी इसको कुछ ना कुछ नौटंकी करनी ही है हमेशा की तरह। विराट अपने शहर में अच्छे और काबिल डॉक्टर पहले से मौजूद हैं। तेरी बीबी अगर डॉक्टर नहीं बनी ना तो नागपुर शहर के लोग डॉक्टरों की कमी की वजह से मर नहीं जाएंगे। काका सही डॉक्टर बने या ना बने ये बात की बात है, लेकिन कम से कम कॉलेज के पहले दिन उसे शांति से जाने दिया जा सकता था ना। सुबह जल्दी उठने के चक्कर में बेचारी सो नहीं पाई है। बहुत जरूरी था उसका आज कॉलेज में टाइम पे पहुंचना, लेकिन इन कामों के चक्कर में लेट हो गई है। सही तुम ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। एक मिनट विराट, सही इस घर की महारानी और हम सब उसके नौकर नहीं हैं। अगर घर की सारी बहुएं काम कर रही हैं, तो सही भी अपना काम पूरा करके ही कॉलेज जाएगी, उसका काम कोई और नहीं करेगा। काकू किसी को मेरे हिस्से का काम करने की जरूरत नहीं है। काकू मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और जो काम करने की वजह से मेरा हाथ जला है उसके लिए लोगों से ताने भी सुन चुकी हूँ। अरे संभाल के पाकी दीदी, अगर ये गिर गया तो इस बार मिर्च आपको पीसनी पड़ेगी। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, मसाले पीस रही थी। मस्त मस्त, अब तू विराट को हमारे खिलाफ भड़काएगी? उसे ये बताएगी कि हमने तुझे कितना दुख दिया, कितना तुझे परेशान किया, है ना? काकू सही पहले ही बहुत दर्द में है, अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगी तो। सही चलो मेरे साथ। रुको रुको, सही के हाथ में मिर्ची लगी है, धुला लो। उसे सही हाथ धोने के लिए पानी लेके आइए प्लीज। ओ आंटी, करिश्मा हाँ प्लीज फ्रिज से थोड़ा सा बर्फ लेकर आओ। हाँ करिश्मा तुम बर्फ लेकर आओ, वैसे भी हमारी डॉक्टर सई के हाथ इतने नाजुक हैं क्योंकि इस बेचारी ने अपने ये हाथ सिर्फ कागज पेन पर ही चलाए, सिलबट्टे पर नहीं। बाकी बस कितना सुनाओगी तुम सही को? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है विराट, और मैंने तुमसे तो बात की ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से तुम बात कर रही हो ना वो गलत है। मुझे तो लगा था तुम आईपीएस ऑफिसर हो विराट, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम पुलिस वाले कम अपनी बीवी के वकील ज्यादा लगते।
जब देखो तब इसके बचाव में हमेशा अपनी फैमिली के सामने खड़े हो जाते हो। पाखी दीदी, अगर मेरे साथ देने से विराट सर मेरे वकील हो गए तो उस तरह आपके पास पूरी वकीलों की फौज है जो हर वक्त आपकी पैरवी करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। और हाँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे बर्फ चाहिए होगी तो मैं खुद जाके ले आऊंगी या फिर अपने वकील से लगवा लूंगी। देवा देवा, जिस ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये महाभोज रखवाया है, इस जंगली मुर्गी ने फिर से कलेश शुरू कर दिया। पूरे परिवार का मन खराब कर दिया इस बद दिमाग और बद जुबान लड़की ने। मुझे भी आप सबके लिए कुछ ऐसा ही लगता है काकू। सही, आज तेरा कॉलेज का पहला दिन है बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। निकल। चलो सही, ये लो। अपने जूते पहन लो, फिर चलते हैं। चलो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।